commoners from the disaster. तो ममता बनर्जी को भी आपने देखा, इस वक्त ये मार्च किया जा रहा है टीएमसी की अगुवाई में, राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च होगा, उसके बाद मुलाकात राष्ट्रपति से करेंगे। नोटबंदी के फैसले को लेकर विरोध इस वक्त विपक्ष कर रहा है, एकजुट हो गया है, और जो मार्च इस वक्त आप देख रहे हैं वो राजपथ से संसद से ये इसकी शुरुआत हुई थी, जब टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे संसद भवन के परिसर में, वहां पर भी प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी उनकी तरफ से की गई, और अब साथ में आ गया है ये विपक्ष जिसमें आम आदमी पार्टी और शिवसेना भी शामिल हुई है, और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बातचीत की थी ममता बनर्जी ने साथ आने के लिए इस मार्च में, और साथ दिया है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने भी उनका, और इस वक्त राजपथ से ये तस्वीरें पार्लियामेंट के बाहर के अभ्यालय की तस्वीर हैं, और यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन मार्च कर रही है तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना। तो नोटबंदी को लेकर इस वक्त पूरा देश कतार में खड़ा हुआ है, और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर एकजुट हुआ है, संसद में भी सरकार को घेरा जा रहा है, और संसद के बाहर सड़क पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, क्योंकि नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की बात यहां पर विपक्ष कर रहा है, रोल बैक किया जाए इस फैसले को जो सरकार ने लिया है, और एक तरह से इमरजेंसी के हालात सरकार ने इस वक्त देश में पैदा कर दिए हैं। तो ये तमाम बातें कि विदेशों से पहले काला धन लाए, फिर बात करे सरकार और रोल बैक करे इस फैसले को जो कि इस वक्त सरकार की तरफ से लिया गया है। आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे, फिर मुलाकात करेंगे तमाम विपक्ष के जो नेता हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से, और अपना पक्ष वहां पर रखेंगे कि क्यों यहां पर सरकार ये फैसला लेकर आई है जिससे अब देश की जनता परेशान हो रही है। इस बीच राज्यसभा में भी चर्चा चल रही है नोटबंदी के फैसले को लेकर, इस वक्त राज्यसभा में मायावती ने भी बीएसपी की तरफ से अपना पक्ष रखा, और तमाम पार्टी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, लेकिन सरकार ने जिस तरीके का रवैया लिया, अपोजिशन सारा एकजुट दिखते हुए नजर, एकजुट होगा, एकजुट हो जाएगा, आगे तक कंटिन्यू रहेगा, हाँ करेंगे। चलो जी, तो विपक्ष एकजुट होगा, लेकिन दो तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। कल भी तस्वीरें आई थी, आपको बता दें कि जंतर मंतर में कल जो प्रदर्शन हुआ था वो नोटबंदी के समर्थन में हुआ था, और हमारे संवाददाता लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं संसद सत्र पर भी, और जो प्रदर्शन यहां पर कर रही है तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना मिलकर, उस पर भी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। अमर, पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी पहली बार शिवसेना के साथ आई हो या तृणमूल कांग्रेस के साथ आई हो, और अब राष्ट्रपति भवन तक वो मार्च निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, कौन शामिल हुआ है आम आदमी पार्टी से और कौन सा बड़ा चेहरा शिवसेना से इस मार्च में शामिल हुआ है? देखिए, अभी हम राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में है, और वो पार्लियामेंट से वो लोग सारे लोग बाहर निकल चुके हैं, और ये जो राष्ट्रपति भवन का परिसर है उसमें वो इन कर चुके हैं। इतनी दूर है जहाँ से ये दिखाई नहीं है, कन्फर्म हो पा रहा है कि कौन कौन से लोग हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन से वो इन किए हैं, और कुछ देर उसको लगा क्योंकि वो पैदल आ रहे हैं, इस वजह से टाइम लगेगा,
तभी जाकर के पता चल पाए कौन कौन उनके साथ है और कौन से नेता बड़े नेता जो इनमें शामिल हुए। लेकिन देर होने का टाइम है और वो लोग इन कर चुके हैं, कुछ वक्त लगेगा जिसको यहाँ पहुंचने में पैदल क्योंकि मार्च कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है, इस वजह से हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से लोग हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अमर, तस्वीरों में उमर अब्दुल्ला को भी देखा जा रहा है, वो भी पहुंच चुके हैं इस मार्च में शामिल होने के लिए। बिल्कुल देखिए रेखा, सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी के साथ और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो... रोकना चाहेंगे अमर आपको, ममता बनर्जी को सुन लेते हैं पहले। यार बाइट होने तो फिर कर लेना आप। देखो हम लोग कर ले दो, हम लोग जा रहे हैं और जो भी बोलना है हम लोग पूरा करेंगे। कम्युनर्स फ्रॉम द डिजास्टर पीछे।